शेख, सवाल यह है कि खड़े होकर पेशाब करने का असलन हुक्म क्या है? खड़े होकर के पेशाब करना जायज है, खास तौर से उस वक्त जब आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर बैठने में आपको परेशानी है, बैठने में गंदगी लग सकती है, या वो जगह साफ सुथरी नहीं है, या बैठने का इंतजाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खड़े होकर पेशाब करना साबित है। आपने एक घूर या जहाँ पर कचरा वगैरह फेंकते हैं किसी ऐसी जगह पर आपने पेशाब किया, तो आपने खड़े होकर किया। तो अगर इस तरह की कोई चीज है कि बैठने में परेशानी है, बैठने की जगह नहीं है, बैठने से गंदगी लग सकती है, तो खास तौर से ऐसी जगह पर खड़े होकर पेशाब करना जायज है। वरना आम हालात में पेशाब करने के आदाब में से है कि आप बैठ करके करें, क्योंकि अगर आप खड़े होकर करते हैं तो छींटा पड़ने का बहुत ज्यादा इम्कान रहता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। जी तो शेख, मतलब हराम नहीं है आम हालत में? आम हालात में उस वक्त हराम है जब खड़े होकर पेशाब करने से आपके ऊपर छींटा पड़ सकता है, और आम हालात में जो खड़े होकर जो लोग पेशाब करते हैं वो छींटे से नहीं बच पाते हैं, ये उमूमी बात है, इल्ला माशाल्लाह। और आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप एक कब्र के पास से गुजरे और आपने कहा कि कब्र वाले को अजाब हो रहा है, और इसको अजाब इसलिए हो रहा है क्योंकि पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, तो कितना बड़ा गुनाह है। तो अगर आप गारंटी लेते हैं कि खड़े होकर पेशाब करने से छींटा नहीं पड़ेगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन उमूमी तौर से खड़े होकर पेशाब करने से छींटा पड़ेगा आपके ऊपर।